सियासी पारा काफी गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त 31 मई, जी हां, टेम्परेचर काफी हाई है और गर्मी काफी बढ़ चुकी है। सियासी पारा भी इसी तरह से काफी गरमाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, आज हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। तो इसकी उल्टी गिनती परिणाम आने की शुरू हो चुकी है। आज से 4 दिन बाद लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे शुरू हो जाएंगे, सुबह सुबह ही आने शुरू हो जाएंगे और लगभग 8वें चरण तक डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट की स्थिति साफ हो जाएगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पूरे राजस्थान में हॉट सीट बनी हुई है। जी हां, इसका कारण भी आपको ज्ञात ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से 2 दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, कई बार विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे हैं, कई बार मंत्री बने हुए हैं, कई बार उन्होंने कई ऐसे राजनीतिक नाम कमाए हुए हैं जो कद्दावर नेता की श्रेणी में उनको रखते हैं। इधर बात करें महेंद्रजीत सिंह मालविया की, एक बार वो लोकसभा में भी गए हैं और सांसद भी चुने गए हैं जो कांग्रेस पार्टी से चुने जाया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मुद्दों को पकड़ते हुए उनकी अपनी विचारधारा बता रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम भगवान का जब मंदिर बना तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने जाने नहीं दिया, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उन्होंने दामन थामा, उनको लोकसभा सीट का प्रत्याशी बना दिया। इधर बात करें राजकुमार राव, जो भारतीय आदिवासी पार्टी, जो 8 महीने पहले एक पार्टी बनी है, वो पार्टी उभरकर सामने आई और उस पार्टी ने राजकुमार राव, जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीटीपी से चुनाव लड़े थे और 84 से काफी अच्छे मतों से जीत कर विधानसभा तक पहुंचे थे, इस बार फिर से उन्होंने चुनाव विधानसभा का लड़ा और भारी बहुमत से, भारी मतों से वो चुनाव जीते। अब बात करें राजकुमार राव की, तो युवाओं की धड़कन कहे जाने वाले फायर ब्रांड नेता, जो आदिवासियों की दिलों की धड़कन बताए जाते हैं, काफी अच्छे मतों से 84 विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। अब भारत आदिवासी पार्टी ने मन बनाया कि उन्हें लोकसभा तक पहुंचाया जाए और यहां की जो बात है वो लोकसभा तक गूंजे। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों को भी पकड़कर, जैसा कि क्षेत्रीय मुद्दों में उन्होंने रेल, सड़क, इस तरह के मुद्दे जनता के बीच में रखे, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो हिंदुत्व, राम मंदिर, कई बार उन्होंने अपने जबान से राम मंदिर का जिक्र किया और इस मुद्दों को लेकर उन्होंने यहां पर चुनाव लड़ा और खासकर मोदी का चेहरा सामने रखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। कई बार हेलीकॉप्टर से भी उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान यात्राएं की, लोगों के बीच में गए और प्रचार किया। इधर बात करें राजकुमार राव की, तो उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हित अधिकार की बात रखते हुए यहां के लोकल स्थानीय मुद्दे, पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा, ये सारी बातें रखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। आरक्षण के मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दों हैं उन मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। और बात करें उनकी, तो ये यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी हैं, जो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट के, जब भी वो चुनाव प्रचार में गए तो वहां पर बिना बुलाए आदिवासी समाज सहित और भी समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव के नतीजे आने में महज 4 दिन बाकी हैं। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, यहां तक कि पूरे राजस्थान की निगाहें डूंगरपुर बांसवाड़ा पर टिकी हुई है। और टिकी हुई हो क्यों ना, क्योंकि यहां से दोनों दिग्गज, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर अपना उम्मीदवार तो उतारा था, लेकिन आलाकमान, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया था। हालांकि चुनाव के दौरान उनका प्रत्याशी मैदान में खड़ा था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया हुआ था। ऐसे में देखा जाए तो दोनों, भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। दोनों पार्टियों के समर्थक अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा कर रहे हैं।
लेकिन आखिर कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया जीतेंगे या भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत चुनाव जीतेंगे? ये तो 4 जून ही तय करेगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी पारा है, सियासी गलियारों में एक ही बात उभर उभर कर सामने आ रही है कि जो भी जीतेगा बहुत ही कम मतों के अंतराल से जीतेगा, लेकिन 4 जून तय करेगा कि आखिर उन मत पेटियों में कौन किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, किस तरह से उन्होंने मतदान किया है, लोग कैसे कौन सी पार्टी के साथ में झुकाव किसका रहा, ये कोई नहीं जानता। जब उसके नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है मतदान या भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में गया है। हो सकता है जिस तरह से सियासी गलियारों में एक गूंज उठती है कि महज कम 50 या 60 हजार के अंतराल से यहां पर जो भी जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा 2 या 3 लाख के अंतराल से भी हो सकता है जीते, क्योंकि इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि सियासी गलियारों में जिस तरह से महेंद्रजीत सिंह मालविया को उतारा गया तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता यहां पर जो थे पहले से ही वो भी उनसे नाराज दिखाई दिए। इसके साथ ही कांग्रेस से वो दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए तो कांग्रेस के भी नेता उनसे नाराज दिखाई दिए। ऐसे में कौन किधर गया इसका कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल प्रतीत होता है। वहीं बात करें राजकुमार रोत की तो राजकुमार रोत ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ समर्थकों और लोगों की जो जन समर्थन मिला है उसको देखते हुए दोनों के बीच में मुकाबला जरूर कड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। जी हाँ, स्थिति 4 जून को 8वें राउंड के दौरान लगभग स्थिति साफ हो जाएगी और हम आपको इसका लाइव प्रसारण दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी लाइव नोटिफिकेशन चुनावी परिणाम की तुरंत आपके पास पहुंच जाए और लाइव लेटेस्ट अपडेट के साथ आप जुड़े रहें। आपके अपार प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।